अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 52, लेसन नंबर 52। इसमें हम पढ़ रहे हैं मीम साकिन के कायदे। पीछे क्लास में हमने मीम साकिन के दो कायदे पढ़े थे। मीम साकिन के बाद अगर वा आता है तो मीम की आवाज को नाक पे रोक कर गुन्ना करके पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा आता है तो मीम की आवाज को नाक में रोक कर गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसको इख्फाए शफा भी कहते हैं। एक कायदा इससे पहले ये पढ़ा था कि मीम साकिन के बाद मोहम्मद उजैर, मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है, मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है तो दोनों मीम को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं और उसको इदगामे शफा भी कहते हैं। चलिए इशाम पढ़कर सुनाइए ये वाला। ये बा है, बा में नीचे रुकता होता है, नून में ऊपर होता है। इन रब इन रब इन रब मु ये हा है, हा मीम पेश हुम। इन रब हुम बिहिम बिहिम बिहिम। यहाँ पर गुन्ना क्यों करेंगे मीम की आवाज को? मीम साकिन से पहले, मीम साकिन के बाद पहले नहीं, मीम साकिन के बाद ये, मीम साकिन के आगे, मीम साकिन के बाद बा इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। चलिए आप बताइए आगे, अब्दुल करीम आप पढ़कर बताइए। जी सर, पढ़िए। तरमीहिम बिजारतिन, किस बोलिए आवाज से? तरमीहिम बिजारतिन, बिजाने बिही, बा के बाद हा भी है, ये बा है ऊपर वाला, बा जेर भी, और उसके बाद ये वाला, ये हा है जिसको हमने रंग किया है, बिही 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 आगे बिजारतिम बिहिजारतिम बिहिजारतिम तिन 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 नहीं तिन तिन। जी फिर से बोलिए अब इसको ध्यान से। तरमी हिम बिजारतिम, बिजा नहीं भाई, बा के बाद हा भी है, बाजेर भी, हाजेर ही, बिही। देखिए ये है, ऐसे देखिए यहाँ पर ये बा है, बाजेर बी, और ये उसके नीचे ये हा है, हाजिर ही, बीही। बोलो बीही। फिर आगे जी में बीही जारतिन, बीही जारतिन। जी यहाँ पर गुन्ना क्यों करेंगे बताइए? जी सर, गुन्ना क्यों करेंगे यहाँ पर? हिम ऐसे क्यों पढ़ेंगे? मीम की आवाज को नाक में रोककर क्यों पढ़ेंगे?
बताइए। पीछे कायदे में हमने बताया था कि मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के आगे अगर बा होता है तो मीम की आवाज को नाक में रोक कर गुन्ना करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, मीम के ऊपर सुकून है, उसके बाद बा है, उसके बाद क्या है? बा है, तो मीम की आवाज को नाक में गुन्ना करके पढ़िए। तरमीहिम बिहिजारतिन, जी तिन नहीं तिन बोलो, तिन बिहिजारतिन, जी। देखिए यहाँ पर अब बताइए क्यों हो रहा है गुन्ना? जी सर, गुन्ना क्यों कर रहे हैं मीम में, बताइए क्यों? बोल के मीम के बाद बा है, मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद बा है। चलिए आगे आप पढ़िए मोहम्मद हुसैन। कैसे बोलिए? जी बहुत अच्छा। अब बताइए यहाँ पर गुन्ना क्यों करेंगे? मीम साकिन के बाद बा है। हाँ, मीम साकिन के बाद बा है तो मीम साकिन के बाद अगर मीम हो तब भी गुन्ना होता है, मीम साकिन के बाद हो बा तब भी गुन्ना होता है। जी बहुत अच्छा। चलिए दूसरे बा आप पढ़िए। सेबा पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। नुसेबा पढ़िए। आप इतना लेट क्यों हैं? बोलिए। पुलिस पकड़ दी गई। पूछ रहे हैं ना? नहीं पूछ रहे हैं। तुम ये शुरू से पढ़ो। बोलिए। فبشرهم هم بعذاب 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 بی نہیں دیکھیں باقی نیچے دو زیر ہیں با دو زیر بن بن بولیں گے پھر فبشرهم بعذاب जी बा के नीचे जेर है, इसको लंबा नहीं करेंगे। जी यहाँ पर बताइए गुन्ना क्यों करेंगे मीम में? क्योंकि मीम मीम साकिन के बाद बा है। हाँ, मीम साकिन के बाद बा है। चलिए मुनस्सा आप पढ़िए। बोलिए। तो बोलो। बोलो क्या आवाज आए इसको? इन्ना इन्ना मुंह सबर ना, सबर को लंबा नहीं करते। इन्ना इन्ना आगे रब्बहुम 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 आगे बिहिम। जी यहाँ पे गुन्ना क्यों करेंगे मीम में? मीम की आवाज को नाक में क्यों रोकेंगे? क्योंकि मीम साकिन है। मीम साकिन हो और उसके बाद बा भी हो, दोनों बात होगी तब गुन्ना होगा। मीम साकिन हो खाली तो गुन्ना नहीं होता। देखिए यहाँ पर है मीम साकिन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा है। बिहिम यहाँ पे मीम की आवाज को नाक में नहीं रोक रहे हैं, बिहिम बोल रहे हैं। यहाँ पे गुन्ना कर रहे हैं, हो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम साकिन के बाद बा है,
तो दोनों बात बतानी है कि मीम साकिन के बाद अगर बा हो तो मीम की आवाज को नाक पे रोक कर पढ़ते हैं। नोमान, पहले तो ये बताइए आप इतना लेट कहाँ से आ रहे हैं? क्या सिपारा पढ़ के आए? आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त आपकी क्लास होती है? चार बजे ज्वाइन कर जी। आज इस्तान जी ने लेट कर दिया। देखिए क्लास के वक्त पे ज्वाइन करना है आपको, आइंदा ख्याल रखिएगा। चलिए पढ़िए वाला। उसके भाई के वो छोड़ दो हैं राशन के। पढ़िए। तर्मीहिम बेचारतिम तवमीहिम, मीम को गुन्ना करेंगे तवमीहिम। तर्मीहिम आगे इजारतिम इजारतिम तिम नहीं तिम बि इजारतिम तिम तिम بحجارتين 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 جی یہاں پر بتائیے میم میں غنہ کیوں کریں گے یہاں پر سامنے دیکھ کر بتائیے मीम साकिन के बाद बा अगर होता है तो मीम को गुन्ना करके पढ़ते हैं। आप याद क्यों नहीं करते हैं आप लोग सही से? रूल्स अगर याद नहीं होंगे तो सही तरीके से कैसे पढ़ पाएंगे आप? मस्त भी नहीं करते हैं अच्छे से, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं इसकी सही से और याद भी नहीं करते हैं। तो इस तरह तो नहीं आएगा ना अच्छे से पढ़ना, आपको मेहनत करनी होगी, आपको वक्त देना होगा तभी आता है। पीछे वाले असबाब को रिवाइज करते रहा कीजिए, पढ़ते रहा कीजिए, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, आप पीछे भी भूल जाएंगे। चलिए याद कीजिएगा अच्छे से। तो ये रूल याद कीजिएगा कि मीम साकिन के बाद अगर बा आता है तो मीम की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद यानी मीम के ऊपर अगर सुकून हो, मीम बना हो और उसके ऊपर सुकून हो तो मीम साकिन कहते हैं। उसके बाद अगर उससे आगे अगर बा होगा तो मीम की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर था। चलिए आगे देखिए। अब मीम साकिन का तीसरा कायदा है, मीम साकिन के बाद जब हम रूल बताया करें तो हमारे साथ रिपीट किया कीजिए। मीम साकिन के बाद, मीम साकिन मतलब मीम और उसके ऊपर सुकून, मीम साकिन मतलब मीम उसके ऊपर सुकून। मीम साकिन के बाद बोल नहीं रहे हैं मोहम्मद हुसैन, नोमान आप लोग खामोश बैठे हैं बिल्कुल। मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा, बा और मीम के अलावा, बा और मीम इनको छोड़कर, बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर आए मीम साकिन के बाद, बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर आए तो मीम को बिला गुन्ना के पढ़ते हैं, मीम में फिर गुन्ना नहीं करते हैं, मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकते हैं। मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर, बा और मीम नहीं होना चाहिए, बा और मीम नहीं हो उसके अलावा कोई भी हर्फ अगर होगा तो मीम की आवाज को नाक में रोककर नहीं पढ़ेंगे, मीम की आवाज को नाक में रोककर नहीं पढ़ेंगे। इसको इजहार शफा भी कहते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? निशान, बालों से मत खेलिए। क्या बोलते हैं इसको? इजहारे शफावी। रूल क्या है इसका? मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के आगे बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर आएगा तो मीम की आवाज को गुन्ना नहीं करेंगे, मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। चलिए देखिए इसके मश्क। देखिए यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, उसके बाद कौन सा हर्फ है बताइए? फा। मीम साकिन के बाद फा है, बा और मीम होता है तो गुन्ना करते हैं, फा होगा तो गुन्ना नहीं करेंगे। हुम फीहा, हुम ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। हुम फीहा, हा मीम पेश हुम और मीम साकिन के बाद फा है तो गुन्ना नहीं होगा। हुम फीहा। आगे वाला देखिए, यहाँ पर मीम साकिन है, देखिए मीम के ऊपर सुकून है तो मीम साकिन हो गया। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? दाल। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? दाल। नुमान अपना कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए, वो नहीं दिख रहा है आपका। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? दाल है, तो मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे, क्योंकि नाक में तब रोकते हैं जब बा हो या मीम हो, जब बा हो या मीम हो। अब बा भी नहीं है, मीम भी नहीं है, तो मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। लकुम, लकुम, मोहम्मद उजैर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? लकुम, लकुम दीनुकुम, लकुम, लकुम ऐसे नहीं बोलना है, नाक में रोककर नहीं बोलना है। लकुम दीनुकुम। आगे वाला देखिए, मीम के ऊपर सुकून है तो मीम साकिन हो गया, मीम के ऊपर सुकून है तो मीम साकिन हो गया, और मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? या है, तो गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि गुन्ना कब करते हैं? जब मीम साकिन के बाद बा हो या फिर मीम हो, तो मीम साकिन के बाद या है तो गुन्ना नहीं करेंगे। लम यल, लम यल, लम ऐसे नाक में रोककर नहीं बोलेंगे। लम यल बिसू, लम यल बिसू, आगे देखिए मीम के ऊपर क्या है? मोहम्मद उजैर खेली नहीं, सामने देखिए सुकून, मीम के ऊपर सुकून है, मीम साकिन हो गया, मीम के ऊपर सुकून है तो मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? लाम है, तो मीम की आवाज को नाक में रोककर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नाक में मीम की आवाज को कब रोकते हैं? जब मीम के बाद बा हो या फिर से मीम हो, यहाँ पर दोनों ही नहीं है, इसलिए मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। अम्लम, अम्लम, यहाँ भी मीम साकिन के बाद ना तो बा है और ना ही मीम है, यहाँ भी मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। अम्लम, अम्लम तुन्ज़िरुहुम, अब्दुल करीम सही से बैठिए। अम लम तुन्ज़िरुहुम, अम लम, मीम की आवाज को नाक में नहीं रोक रहे हैं, अम ऐसे नहीं बोले, अम लम, अम लम, अम लम नून की आवाज को यहाँ पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद ज़ाल हरूफ़े इख़्फ़ा में से है।
कन्वीनियन नून साकिन के बाद रूप यख्फा में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। अम लम तुन्ज़िरहुम, उज़ैर सामने देखे, आगे वाला देखे, यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून है, मीम के ऊपर क्या है, सुकून, मीम पर सुकून है तो मीम साकिन हो गया, और मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, हमजा, मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, हमजा, अलिफ खाली होता है, अलिफ के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बनता है, मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, हमजा है, तो यहाँ पर मीम की आवाज को नाक में रोककर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मीम की आवाज को नाक में कब रोकते हैं, जब मीम साकिन के बाद बा हो या फिर मीम हो, तो यहाँ पर दोनों ही नहीं है, इसलिए मीम की आवाज को नाक में नहीं रोकेंगे। लहुम अजरुन, लहुम अजरुन, रूल क्या है, मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम को छोड़कर कोई भी हर्फ अगर आएगा तो मीम की आवाज को नाक में रोककर नहीं पढ़ेंगे, जैसे हुम फीहा, लकुम दीनुकुम, लम यल्बिसू, أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ آدھانا بول لیجئے أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ ये था मीम साकिन का तीसरा कायदा इजहार शफ़ावी। आप रूल याद करेंगे पहले अच्छे से और फिर इसकी मश्क को याद करेंगे अच्छे से, एक्सरसाइज है इसकी, उसको याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।